महिला विधायक हूँ, इसलिए शायद कल भाइयों ने एक और मेरी बहन का दर्द मुझे बताया कि वो गर्भवती थी, उसका ट्रांसफर एक कोने से दूसरे कोने कर दिया, वो पेट से थी अंतिम दिन तक भी वो वहां से वहां तक अपनी नौकरी को करती रही। कि कैसी महिला महिला के सुरक्षा की बात करती है, कैसे जननी की बात मेरी समझ से परे है। अगर ऐसा हुआ है उसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहती हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। और जो भी आपके यूनियन का आवाज उठाता है, मुझे बताया गया है कि किस तरीके से, एक और वाक्य बहुत गंभीर वाक्य है, मुझे बताया गया कि उस बहन को शायद कहा गया कि एम्बुलेंस की ऑक्सीजन की मशीन ठीक नहीं है, रोज रिपोर्टिंग होती है कि एम्बुलेंस ने क्या हमारे इक्विपमेंट मशीनें ठीक है नहीं, उसकी पूरी एक लिस्ट बनती है, उसमें ऑक्सीजन की मशीन काम नहीं कर रही थी, लेकिन उस बहन को कहा गया ये काम कर रही है, ये डायरी में लिख दीजिए। उसने कहा मैं लिख तो दूंगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और किसी की जान जा सकती है, ये सिर्फ नोटबुक भरने तक की बात नहीं है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। उसी ड्रेस में कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदार के मैनेजर ने उसको साउथ डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर करके वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भेजा दिया। ये अन्याय नहीं तो क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ। मैं एक एक बात आप द्वारा बताई गई मुद्दे पे बात कर रही हूँ, पर मैं वापस माता जी आप पर आती हूँ, मुझे भी नहीं समझ।